नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज एक ऐसी औषधि के बारे में बात करेंगे, आज एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बात करेंगे जिसे यूज करके आप अपने चश्मे को हटा सकते हैं, आप अपनी नज़र को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी आंखों की रोशनी को तेज कर सकते हैं। चाहे कितना ही नंबर का चश्मा लगा हो, वो आप दवाई यूज करके उसे उतार सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं सप्तामृत लौ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सप्तामृत लौ सुनने में काफ़ी अजीब नाम है, लेकिन इसके फायदे बहुत ही ज़्यादा है। तो आप ये खुद बना सकते हैं, मैं बताऊंगा आप इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको यूज़ करना है और इसमें क्या क्या औषधियाँ डल के ये दवाई बनती है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सप्तामृत लौ क्या काम आता है, इसको सप्तामृत लौ क्यों कहते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या घटक द्रव्य डलते हैं, यानी कि कौन कौन सी दवाइयां डल के, कौन कौन सी जड़ी बूटियां डल के ये सप्तामृत लौ नामक दवाई तैयार होती है। सबसे पहले इसमें डलती है हरड़, दूसरी बहेड़ा, तीसरी आंवला, चौथी मुलेठी और पाँचवा है लौ भस्म, और छठवा है शहद, और सातवा है गाय का घी। ये सात चीज़ें मिलके इस औषधि का निर्माण किया जाता है। अब हरड़, बहेड़ा और आंवला यानी कि त्रिफला, ये तो आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएगा। अब आप शायद लौ भस्म का नाम पहली बार सुने होंगे। लौ की भस्म होती है, भस्म किसी प्रोसेस से बनाया जाता है। ये आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे या फिर पंसारी के पास से आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। लौ भस्म के नाम से ये मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समान मात्रा में लेनी है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, मुलेठी और लौ भस्म, ये पांचों चीज़ आपको समान मात्रा में लेनी है। और रही बात गाय के घी और शहद की, तो वो बाद में काम आएंगे, पहले आपको ये पांच चीज़ें लेनी है। पांचों को आपको समान मात्रा में लेके अच्छे से साफ करके, यानी चार चीज़ कौन सी, हरड़, बहेड़ा, आंवला और मुलेठी, ये तो है कास्ट औषधियाँ यानी कि जड़ी बूटियाँ हैं ये। तो इनको अच्छे से साफ करके, इनको इमाम दस्ते में कूटकर इनका अच्छे से बारीक पाउडर बनाना और कपड़े में से छान लेना है। तो चारों का तो इनका पाउडर प्लस लौ भस्म, लौ भस्म भी आपको अच्छी क्वालिटी की किसी अच्छी कंपनी की लेनी है, या फिर किसी वैद्य से बनवाई हुई आप लौ भस्म का यूज कर सकते हैं। तो इन सबको आपस में मिला के लगातार 5 से 6 घंटे तक खरल के अंदर इनको घोटना है, यानी कि मर्दन करना है। मर्दन का मतलब होता है रगड़ना। तो लगातार 5 से 6 घंटे तक इन सभी का चूर्ण मिला के आपस में इनको रगड़ना है, ताकि ये एक जान हो जाए और इनका गुण बढ़ जाए। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि मर्दनम गुण वर्धनम, यानी कि जितना आप औषधियों का मर्दन करोगे, खरल में जितना आप घोटोगे, उतना ही औषधियों का गुण जो है बढ़ेगा और उतनी ही ज़्यादा औषधियाँ वो काम करेगी। तो ये आपका तैयार हो गया सप्तामृत लौ का रॉ मटेरियल, यानी कि हरड़, बहेड़ा, आंवला और लौ भस्म और मुलेठी, इन पांचों चीज़ों का एक मटेरियल तैयार हो गया, एक मिश्रण तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, जब भी आप प्रयोग करें तो 500 mg से लेके 1 ग्राम तक, यानी कि आधे ग्राम से 1 ग्राम तक की इसकी मात्रा आपको यूज करनी है। और इसका डायरेक्ट यूज नहीं करना है, आपको लगभग 3 ग्राम शहद और 1 ग्राम आपको गाय का घी, ये आपस में आधे ग्राम से 1 ग्राम सप्तामृत लौ में मिला के आपको यूज करना है। तो इस विधि से आपको यूज करना है। शहद और घी कभी भी समान मात्रा में यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह एक विष बन जाता है अगर आप समान मात्रा में इसका यूज करते हैं। तो इसलिए आपको आधे ग्राम से 1 ग्राम तक का ये पाउडर लेना है, जो भी अपने तैयार किया है। इसके साथ में 3 ग्राम लगभग आपको शहद लेना है छोटी मधुमक्खी का, और 1 ग्राम आपको लेना है गाय का घी। इनको आपस में मिला के एक पेस्ट तैयार करना है और आपको सेवन करना है। सेवन करने के बाद में आपको पानी नहीं पीना है कुछ देर तक, लगभग आधे घंटे तक आपको कोई पानी वगैरह नहीं पीना है। इसको सेवन करने के बाद में केवल आपको बकरी का दूध पीना है। बकरी का दूध नहीं मिले तो गाय का दूध आप पी सकते हैं। अगर बकरी का दूध यूज करते हैं तो और भी ज़्यादा गुण इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से सप्तामृत लौ बनाया जा सकता है, बिल्कुल ही आसान विधि है और आप खुद बना सकते हैं। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा और फ़ायदा उठाइएगा, बिल्कुल सस्ती दवाई है और आँखों के लिए तो इतनी लाभकारी है कि आपका चश्मा तक इससे उतर जाएगा। और आँखों की जितनी भी समस्या है, चाहे से आँखों से पानी आए, आँखें लाल रहती हो, या शुरुआती मोतियाबिंद भी हो, तो भी इससे ठीक हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी औषधियाँ डली गई है वो आँखों के लिए बेहद ही गुणकारी है।
तो आप ये ज़रूर बनाइए और यूज़ कीजिए। और अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे आप किस तरह से बना सकते हैं। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बस बात है तो सही मात्रा में यूज़ करने की और सही अनुपान के साथ में इसको यूज़ करना चाहिए। तो आप ज़रूर बनाइए और इसका फ़ायदा उठाइए। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद, जय भारत।